हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सिंगल कलर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, इस पैटर्न को आप ऑल प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, बेबीज के लिए और जेंट्स के लिए। इसके अलावा आप इस पैटर्न को कैप, मफलर, शॉल, ब्लैंकेट आदि पे भी डाल सकते हैं। बन के देखिए, ये पैटर्न हमारा बहुत ही सुंदर आता है। 10 नंबर की सिलाई में हमने इस पैटर्न को बना लेना है और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 4 के मल्टीपल में फंदे डालने प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा डालने, यानी कि 4 के जोड़े के हिसाब से हम फंदे डालेंगे, 2 फंदे एक्स्ट्रा डालें। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डाल लेने हैं, फिर कोई सा भी बॉर्डर बना के तैयार करेंगे और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब देखिए, फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो में देखिए, अब देखिए पहला फंदा हमने ये बिना बुने उतार लेना है। अब देखिए नेक्स्ट 4 फंदों पे पैटर्न बनेगा, तो देखिए बैक साइड से हमने ये पहला फंदा छोड़ के ये देखिए ये 3 फंदे ऐसे राइट नीडल में उठा लेने। ये देखिए राइट नीडल में 3 फंदे उठाए, फिर देखिए इन सब फंदों को ऐसे लेफ्ट नीडल से स्लिप कर देंगे। अब देखिए जो पहला वाला फंदा है इसको हमने लेफ्ट नीडल में उठा लेना है। अब देखिए जो ये 3 फंदे राइट नीडल में हैं इनको भी हम इन फंदों को लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। फिर देखिए एक एक करके इन 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमने 3 फंदे सीधे बुनने। फिर देखिए अब नेक्स्ट यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे बैक साइड से, अब देखिए ये 4 फंदों पे पैटर्न बनेगा, तो बैक साइड से हमने ये देखिए ये 3 फंदे राइट नीडल में उठा लेने। ये 3 फंदे हमने राइट नीडल में उठाए, फिर देखिए 3 फंदे जो राइट नीडल में उठाए हैं और ये आगे वाला फंदा जो लेफ्ट नीडल में, इन 4ों को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर देखिए आगे की साइड से जो फंदा हमने ये देखिए ये पहला वाला, इसको हमने ऐसे लेफ्ट नीडल में उठा लेना है। और देखिए जो ये 3 फंदे राइट नीडल में हैं इनको भी हम लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। फिर देखिए एक एक करके इन 4 फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए फिर नेक्स्ट देखिए सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अब 4 फंदों पे पैटर्न बनना है, तो देखिए बैक साइड की तरफ से देखिए ये पहला फंदा हम छोड़ देंगे और इन 3 फंदों को ऐसे बैक साइड की तरफ से ये देखिए राइट नीडल में उठा लेंगे। फिर देखिए इन 4ों फंदों को स्लिप किया, फिर देखिए जो आगे वाला फंदा था इसको हमने आगे की साइड से लेफ्ट नीडल में उठाना है और इन 3 फंदों को भी फिर ये देखिए लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। फिर इन फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सेकेंड रो। अब सेकेंड रो को देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतार लेंगे और सेकेंड रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है बैक साइड से। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतार लेंगे और नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे।
ये देखिए नेक्स्ट तीन फंदे हमने सीधे बुन दिए। अब देखिए तीन फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए हमने चार फंदों पे पैटर्न बनाना है। तो देखिए हमने थर्ड नीडल पे ये देखिए आगे के तीन फंदे उतार लेने, ये आगे के तीन फंदे हमने थर्ड नीडल में उतार दिए ये ऐसे। और देखिए जो चौथे नंबर का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। ये देखिए फिर देखिए जो ये तीन फंदे हैं ये थर्ड नीडल में जो उतार रखे हैं इनको हम लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। ये देखिए फिर इन तीन फंदों को भी एक एक करके सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये हमारा पैटर्न आने लग गया, बहुत ही आसान पैटर्न है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट तीन फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम चार फंदों पे पैटर्न बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम थर्ड नीडल की सहायता से आगे के तीन फंदे उतार लेंगे। ये आगे के तीन फंदे हमने थर्ड नीडल की सहायता से उतारा और देखिए इन फंदों को ऐसे पीछे कर लेंगे। और जो चौथे नंबर का फंदा है इसको हम पहले बुन लेंगे। तो देखिए चौथे नंबर का फंदा बुन दिया और जो ये तीन फंदे हैं इनको हम लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। ये देखिए फिर देखिए इन फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट तीन फंदे सीधे बुन लेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने फ्रंट साइड से अपनी थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो, अब फोर्थ रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतार लेंगे और बैक साइड से हमने फोर्थ रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो, अब फिफ्थ रो में देखिए हमारा पैटर्न रिपीट होगा। अब हमने अपने पैटर्न को ऐसे ही रिपीट और शिफ्ट करते जाना है और बनके देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।